Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 10 Chemistry, Chemical Reactions and Equations part 5. ठीक है? Probably this is going to be the last part of your discussion session. अभी उसके बाद वाला part में questions सिर्फ solve करेंगे. I think I will take a Zoom class for that one. Okay, today there are 5 types of chemical reactions. याद है? पहला वाला क्या था? हमने क्या किया था पहले? Combination, फिर decomposition, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट. अभी पांच नंबर वाला क्या है? नंबर 5 इज योर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन. अच्छा, एक बात बता दूं, अगर किसी ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ पे कहीं पे लिंक कर दूंगा, तो वो देख लेना. तो देखो, ये वाला पार्ट मैंने सेपरेटली एक ही को क्यों बचा के रखा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द इम्पोर्टेंट पार्ट. ठीक है, बाकी सारा रिएक्शंस ये थोड़ा सा डिफरेंट है. ठीक है ना? तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, देखो इस रिएक्शन का और एक नाम है ओ एक्स. ऑक्सीडेशन का ओ एक्स अगर लेते हो, अगर रिडक्शन का आर ई डी लेते हो, तो ये हम लोग मिला के बोलते हैं उसको रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, इसका मतलब अगर तुम रेडॉक्स रिएक्शन को ब्रेक डाउन करते हो, मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है. तो अभी उसके पहले हम लोगों को जानना है व्हाट इज, सर ये क्या बक रहा है, ये व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन, वी डोंट नो, राइट? सो पहले तो मैं चीज को क्लियर कर दूं. देयर आर टू थिंग्स, वन इज योर ऑक्सीडेशन, वो तुम्हें जानना है कि क्या है ऑक्सीडेशन, और एक चीज जानना है तुमको, दैट इज रिडक्शन. ठीक है, तो पहले तो देखो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है. ऑक्सीडाइज होना बहुत बार सुना, व्हेन दिस सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज टू फॉर्म दैट. ठीक है, ऑक्सीडाइज मतलब क्या है? सिंपली सिंपल लैंग्वेज में तुम बोल सकते हो क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन. ठीक है, तो रिडक्शन का डेफिनेशन तुम क्या बोलोगे फिर? अगर ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग बोलेंगे क्या? रिडक्शन. ठीक है, ये देखो एक बार ध्यान दो अच्छे से, यहां पे क्या बोला मैंने? ऑक्सीजन को बोला. ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल है, बट देयर आर सम सिचुएशन, सम क्वेश्चन वहां पे तुमको ऑक्सीजन नहीं मिल सकता है. ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन के टर्म्स में नहीं रहा तो हाइड्रोजन को हम लोग चेक करते हैं. ठीक है, तो इसका और एक डेफिनेशन, और एक मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन को हम लोग बोलते हैं क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं, और नंबर बी वाला डेफिनेशन क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. उल्टा, ऑक्सीजन ऐड करने से भी उसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन, अगर हाइड्रोजन रिमूव किया तो क्या बोलेंगे, वो भी ऑक्सीडेशन होगा. ठीक है, तो सिमिलरली तुम इसको बोल सकते हो क्या, और देखे इसका भी डेफिनेशन क्या होगा, ये अगर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है तो ये हो जाएगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है ना? अभी सर कैसा बहुत डिफिकल्ट लग रहा है? कुछ नहीं है, तुम सिर्फ एक को याद रखो, आइदर ये रेड कलर को याद रखो या फिर ब्लू कलर को याद रखो, तो उसका ऑपोजिट होगा, ऐसे याद रखना. तो ऑक्सीडेशन जनरली हम लोगों को समझ में आता है क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो होगा क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. और रिडक्शन मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, अभी तो समझ में नहीं आया, मुझे पता है जब एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब तो इसको अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो ये दो टर्म अच्छे से पहले नोट डाउन करो. ठीक है, समझ में आया था तक? अभी देखो ये वाला पार्ट तो समझ में आ गया, और दोनों टर्म का डेफिनेशन तुमको मतलब अच्छे से याद रखना है. वन इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, और एक चीज तुमको याद रखना है, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट. ये अगर चारों टर्म समझ में आ गया तो बहुत ही इजी है, रिड्यूसिंग एजेंट. ठीक है ना? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो क्या होता है, The substance which itself get oxidized, itself get reduced. Sorry, oxidizing agent कौन सा वाला होगा? The substance which
itself get reduced, which itself get reduced, ठीक है? और सिमिलरली तुम रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, द सब्सटेंस सब्सटेंस विच इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है? अभी इसका मीनिंग देखो, इसका मीनिंग ये चारों चीज का हम लोग एक एग्जांपल लेके समझेंगे, ठीक है? अच्छे से नोट डाउन कर लो ये वाला पार्ट, देन वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, एग्जांपल 1, ये मैंने लिख के रखा है पहले से। कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद हाइड्रोजन, तो इसका बनाते हैं, कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद हाइड्रोजन, सो कॉपर ऑक्साइड CuO इज योर कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड विद हाइड्रोजन, मतलब प्लस H2, ठीक है ना? तो क्या फॉर्म करेगा, देन कॉपर मेटल, कॉपर मेटल इज योर Cu, अच्छा हीट का सिंबल दे दो अगर ये जरूरी है तो, और वाटर इज फॉर्म्ड, मतलब प्लस H2O, ठीक है ना? ये तो ये देख के समझ में आ रहा है, ठीक है? अभी चीज तो देखो, मैंने क्या बोला, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और व्हाट इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो पहले, सॉरी ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो पहले देखो कॉपर ऑक्साइड में क्या था, ऑक्सीजन था, यहां से ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव होके चला गया, ठीक है ना? ऑक्सीजन रिमूव होके चला गया, तो ये हो गया तुम्हारा रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, ये होगा तुम्हारा रिडक्शन, ठीक है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन था लेकिन बाद में वो ऑक्सीजन चला गया, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो ऑक्सीजन ऑफ रिमूवल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन, मतलब यहां पे क्या हो, रिडक्शन हो, समझ में आ रहा? अभी मान लो ये प्रिंट कर दिया, अभी देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन। देखो पहले हाइड्रोजन में था, हाइड्रोजन यहां पे था, हाइड्रोजन में वाटर नहीं था, लेकिन बाद में क्या हुआ, वाटर हमको, हमने ऐड किया वाटर को, सो एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है? समझ में आया? ये दो चीज एकदम डेफिनेशन के हिसाब से जाओ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन बाद में ऐड हो गया, तो वो हो गया ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन था फिर वो रिमूव हो गया, तो वो हो गया तुम्हारा रिडक्शन, ठीक है? तो ये वाला लिख के तुमको तो पहले तो बैलेंस करना है, बैलेंस सेम है, हाँ बैलेंस तो है ऑलरेडी, तो अभी चार चीज तुमको जानना है, ठीक है? एक होता है तुम्हारा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है? इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं SO। नंबर टू होता है सब्सटेंस रिड्यूस्ड, वो होगा तुम्हारा SR, ठीक है? नंबर थ्री इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है? मतलब OA। और नंबर फोर होगा तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, वो होगा तुम्हारा RA। समझ में आया? ये चार पॉइंट तो लिखना पड़ेगा तुमको हर एक क्वेश्चन के बाद। तो देखो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, कौन सा वाला ऑक्सीडाइज हुआ बोलो तो, किस हाइड्रोजन के पास नहीं था ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आया, तो क्या ऑक्सीडाइज हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाएगा तुम्हारा हाइड्रोजन, ठीक है? अभी सब्सटेंस रिड्यूस मतलब कौन सा वाला सब्सटेंस से ऑक्सीजन हटा, ऑक्सीजन इसमें था यहां से हटा, तो ये वाला हो गया सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ठीक है? तो कॉपर ऑक्साइड, ठीक है? अभी देखो टर्म में आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन क्या था, द सब्सटेंस व्हिच इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड, जो सब्सटेंस खुद से रिड्यूस होता है, कौन रिड्यूस हुआ खुद से, कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ खुद से, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा तुम्हारा कॉपर ऑक्साइड, ठीक है? कॉपर ऑक्साइड इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ में आ रहा है? एकदम डेफिनेशन के साथ देखो, द सब्सटेंस व्हिच इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड, जो खुद से रिड्यूस हो जाएगा, ऑक्सीजन था वो रिड्यूस हो गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है? और रिड्यूसिंग एजेंट क्या था डेफिनेशन, रिड्यूसिंग एजेंट का, द सब्सटेंस व्हिच इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड, कौन सा खुद से ऑक्सीडाइज हुआ, हाइड्रोजन था ऑक्सीजन नहीं था, यहां पे ऑक्सीडाइज हुआ इसको, तो ये हुआ ना, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है? समझ में आया? देखो अच्छे से देख लो,
द सब्सटेंस पहले तो तुमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वाला ऑक्सीडेशन हुआ, कौन सा वाला रिडक्शन हुआ। और याद रखना एक रिएक्शन अगर रेडॉक्स रिएक्शन होता है, अगर ऑक्सीडाइज हुआ तो रिड्यूस होगा ही, ठीक है ना। ये दिखा दिया मैंने तुमको क्या पहला वाला डेफिनेशन के टर्म में कि ऑक्सीजन से लेके जब रिलेटेड होता है, ठीक है, समझ में आया। तो ये चारों चीज तुमको हर एक रिएक्शन में लिखना ही है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, प्लीज नोट वन थिंग, देखो जो सब लिखा मैंने सब्सटेंस ऑक्सीडाइज रिड्यूस ऑक्सीजनिंग रिड्यूसिंग एजेंट सब कहां से हुआ, रिएक्टेंट साइड से हुआ। दिस इज द रिएक्टेंट साइड ना, देखो प्रोडक्ट साइड से, याद रखना प्रोडक्ट साइड से कुछ भी नहीं होगा। जब तुमको ये लिखने देगा प्रोडक्ट साइड की तरफ देखो ही मत, जो होगा सब कहां से होगा, रिएक्टेंट साइड से होगा, ठीक है। तो सब्सटेंस ऑक्सीड ऐसे याद रखने के लिए मैं एक फंडा बना देता हूं, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा ना वही होगा तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट, सब्सटेंस रिड्यूस जो होगा वही तुम्हारा होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऐसे तुम याद रख सकते हो, ठीक है। एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल क्वेश्चंस, समझ में आया था ओके। अभी देखो नेक्स्ट वाला टाइप में सिखाता हूं, क्या बोला, हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन। तो पहले इक्वेशन बना देते, हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या था, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट्स विद क्लोरीन मतलब Cl2 टू प्रोड्यूस और टू फॉर्म सल्फर, सल्फर इज S एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला HCl। तो पहले तो फर्स्ट थिंग कि कैसा रिएक्शन भी हो तुमको तो बैलेंस करना ही है, ठीक है। तो ये बैलेंस कर लो पहले, हाइड्रोजन दो है तो हाइड्रोजन यहाँ पे दो दे दो, ठीक है। तो क्लोरीन भी दो है, क्लोरीन भी दो हो गया, तो सल्फर एक है, सल्फर एक है, और इट्स ऑलरेडी बैलेंस्ड, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई फंडा नहीं है, मतलब यहाँ पे जो डेफिनेशन ए है दोनों में ही वो हम लोग यूज नहीं करेंगे, हम लोग क्या देखेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाला पार्ट को देखेंगे, ठीक है। तो क्या बोला, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो देखो यहाँ पे देखो ग्रीन से दिखाता हूं, H2S मतलब हाइड्रोजन था सल्फर के साथ, हाइड्रोजन था वो सल्फर चला गया, सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ कि नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन था हाइड्रोजन चला गया तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। सो दिस इज आवर ऑक्सीडेशन, समझ में आ रहा है ऑक्सीडेशन, ओके फाइन। अभी देखो इसका डेफिनेशन में एडिशन, अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन अगर होता है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो देखो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ नहीं था लेकिन बाद में हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन आ गया तो ये क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो उसको बोलते हैं रिडक्शन, तो ये बन जाएगा तुम्हारा रिडक्शन, ठीक है। तो हर एक एग्जांपल्स में तुम ऐसा दिखाना, ठीक है, तो तुम्हारे भी इजी होगा, तुम्हारे लिए भी इजी होगा, मेरे लिए भी इजी होगा। तो क्या 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 चीज लिखना है, पहले तो तुम्हारा, अच्छा ब्लू से लिखते हैं, पहले तो तुम्हारा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूं, सब्सटेंस रिड्यूस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नंबर फोर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अभी तुम बताओ तुम अभी क्या देखोगे, किसको फॉलो करोगे, ये चीज ऑक्सीडेशन कहां पे हुआ है। तो द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज कहां पे हुआ, मैंने बोला प्रोडक्ट साइड में कुछ देखना नहीं है, सब रिएक्टेंट साइड में। तो ऑक्सीडेशन किसको हुआ, H2S, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्या होगा, H2S। अभी सब्सटेंस रिड्यूस किसका होगा, सब्सटेंस रिड्यूस ये अगर रिडक्शन हुआ मतलब ये रिड्यूस हुआ, मतलब Cl2 का हुआ रिड्यूस, सब्सटेंस रिड्यूस। अभी मैंने क्या बोला था, अभी इतना दिमाग लगाना ही नहीं है तुमको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितना होगा, कौन सा वाला होगा जो खुद रिड्यूस होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डेफिनेशन ही क्या है, जो खुद रिड्यूस होता है, तो रिड्यूसिंग एजेंट जो है वही होगा, मतलब Cl2 ही होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या होगा, जो ऑक्सीडाइज हुआ वही होता है, तो ये होगा तुम्हारा H2S, क्लियर। यहाँ पे देखो सारा ही तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड वाला है, मतलब रिएक्टेंट साइड वाला है। सो इट इज वेरी मच क्लियर कि कोई भी तुम्हारा हो, अगर ऑक्सीजन रिलेटेड हो तो यू हैव टू फॉलो द फर्स्ट डेफिनेशन, अगर हाइड्रोजन रिलेटेड है तो यू हैव टू फॉलो द सेकंड डेफिनेशन, ठीक है। दोनों का ही अच्छा खासा एग्जाम्पल दे दिया, समझ में आया अच्छे से। अभी देखो हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे, दो एग्जाम्पल करेंगे, उसमें तो एक बेसिक है, ठीक है, यह तो तुम खुद से ही कर पाओगे। तो एग्जाम्पल थ्री में बोला व्हेन जिंक ऑक्साइड, अच्छा ये स्टेटमेंट लिख लेना, हाँ क्या लिखोगे, व्हेन जिंक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन इट फॉर्म्स जिंक मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है, ठीक है।
तो इसके बाद तू रिएक्शन लिखोगे फिर बैलेंस करोगे, तो बैलेंस वाला पार्ट तो खुद से कर लेना, ये बैलेंस, हाँ ये बैलेंस है ऑलरेडी। अभी देखो ऑक्सीजन पहले था जिंक ऑक्साइड में, फिर वो चला गया, रेड से दिखाते हैं, था पहले फिर वो चला गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन चला गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब ये क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, तो ये रिडक्शन, ठीक है। अभी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, कार्बन में ऑक्सीजन नहीं था लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन आ गया, तो यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन, मतलब ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ऑक्सीडेशन, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अभी देखो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, कौन सा वाला ऑक्सीडाइज हुआ, कार्बन में नहीं था ना तो वो ऑक्सीडाइज हुआ, तो सी कार्बन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा तुम्हारा कार्बन। सब्सटेंस रिड्यूस्ड, सब लेफ्ट हैंड साइड से लिखना है, तो यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ, ZnO का, तो ZnO रिड्यूस हुआ, सब सब्सटेंस रिड्यूस्ड क्या होगा, ZnO। अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने क्या बोला था, जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ZnO होगा, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, मतलब C, ठीक है, ये तो सिंपल सा था, चलो ठीक है। अभी देखो एग्जांपल 4 में आते हैं, ये एग्जांपल्स, एग्जांपल पहले भी दिया था शायद, When manganese dioxide reacts with hydrochloric acid, लिखो ये statement, When manganese dioxide reacts with hydrochloric acid, then क्या क्या form होगा, manganese chloride, chlorine gas and water, then manganese chloride, chlorine gas and water are produced, ऐसे लिखो, ठीक है। ये वाला बहुत ज्यादा ही important है, देखो क्यों important है, यहाँ पे oxygen भी है, hydrogen भी है, तो दोनों में ही चेक करेंगे ना हम लोग, तो देखो पहले ऑक्सीजन था, फिर मैंगनीज के साथ पहले ऑक्सीजन था लेकिन वो ऑक्सीजन चला गया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन था लेकिन ऑक्सीजन चला गया मैंगनीज से, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन, सो दिस विल बिकम, दिस विल बी रिडक्शन। अभी देखो हाइड्रोजन क्लोराइड में हाइड्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन का बात ही नहीं है, तो तुम क्या चेक करोगे, हाइड्रोजन पहले था क्लोरीन के साथ, वो हाइड्रोजन चला गया, तो क्या हुआ, हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, तो ये होगा तुम्हारा ऑक्सीडेशन, समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो फर्स्ट डेफिनेशन में ऑक्सीजन के बारे में बोला था, सेकेंड डेफिनेशन में हमने हाइड्रोजन को चेक किया था, थर्ड अच्छा छोड़ो वो तो सेम ही है, फोर्थ वाला डेफिनेशन जो है उसमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ है, तो तुमको केयरफुली वो चीज देख के डेफिनेशन के साथ मिला के ये लिखना है, ठीक है, ये अगर लिख लिया बाकी तो ये चारों तो इजी है। तो कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, ये वाला HCl, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाला ही लिखते हैं हम लोग, तो ऑक्सीडाइज क्या हुआ, HCl। सब्सटेंस रिड्यूस कौन हुआ, MnO2, ये रिड्यूस हुआ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, जो रिड्यूस होता है वही होता है, मतलब MnO2, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हुआ, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, मतलब HCl, ठीक है, समझ में आया तब, ओके। सो नाउ तुम्हारा एग्जांपल्स, जो सैंपल प्रॉब्लम 1, 2, 3, 4, 5 है, सो सैंपल प्रॉब्लम 1-5 तुम्हारा तो होमवर्क है पहले, ये तो इजी है, वो तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर ही है, ठीक है। अभी जो पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, तो इसमें क्या करेंगे, दो टॉपिक है, ठीक है, नंबर 1 इज योर कोरोशन और नंबर 2 है रेंसिलिटी। सो द टॉपिक नेम इज व्हाट इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन तो हम लोगों ने अभी देखा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे होता है, लेकिन एवरीडे लाइफ में उसका कैसा एप्लीकेशंस है या फिर कैसा एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इफेक्ट इज योर कोरोशन। सो व्हेन आई राइट कोरोशन, दिमाग में क्या आता है, जब तुम एक मान लो आयरन ऑब्जेक्ट को, इफ यू टेक ए आयरन ऑब्जेक्ट एंड कीप इट आउटसाइड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उसमें क्या होगा, मॉइस्चर का अटैक होगा, वाटर का अटैक होगा, देन व्हाट हैपेंस, सपोज यू एक सिंपल सा चीज सोचो, तुम्हारा घर पे ताला जो लगता है बाहर वाला गेट में, तो दैट ताला बिकम्स व्हाट, वो उसमें जंग गिर जाता है, व्हाई, बिकॉज अगर बाहर वो लोहे का ताला है तो उसको अगर बहुत दिन तक बाहर रख दिया तो बारिश की वजह से उसमें क्या जंग लग जाएगा। So why it is happening? Because moisture is attacking, water is attacking. तो उसका क्या होता है, धीरे धीरे eaten up हो जाता है, ठीक है ना। तो corrosion जो होता है वो हम लोग
क्या मेटल मतलब तुम्हारा आयरन में जो होता है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज रस्टिंग। ठीक है, तो देखो इसका प्रॉपर डेफिनेशन तो कोरोसन का तुम्हें बुक में मिल ही जाएगा। देखो करोशन इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर और अ केमिकल सच एज एसिड ऑन द सर्फेस। तो कोरोशन बेसिकली क्या होता है, मेटल के ऊपर एक रिएक्शन करता है, वो धीरे धीरे वो चीज को खा जाता है बाय द एक्शन ऑफ व्हाट मॉइस्चर एयर और क्या होगा एसिड, या फिर कई कई पे जगह पे एसिड रेन होता है वहां पे भी रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, सो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोशन। तो कोरोशन जो मेटल के ऊपर स्पेशली आयरन के ऊपर जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग रस्टिंग। ठीक है, कहीं कोई भी अगर आयरन नेल एक पुराना तुम देखोगे तो उसके ऊपर एक रेडिश कलर का, ब्राउन या फिर रेड कलर का क्या होगा, एक जंग का दाग गिरेगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट कोरोशन। ठीक है, वो चीज को धीरे धीरे क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है ना, तो अगर रस्टिंग का एग्जाम्पल पूछे या फिर रिएक्शन पूछे तो डायरेक्टली ये लिख दो, रट के जाओ ये आने ही वाला है। ठीक है ना, तो एक क्या होता है, आयरन को हम लोगों ने वाटर वाटर और हवा मतलब ऑक्सीजन के सामने अगर रख दिया तो ये 2x क्यों है, ये बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो बाद में बोलूंगा, अभी जस्ट अभी के लिए यू जस्ट रिमेम्बर द होल फॉर्मूला। ठीक है, मतलब ये जो है रिएक्शन करके आयरन के ऊपर जो रस्टिंग का लेयर पड़ता है ना, दैट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड। ठीक है, अगर बोले कोई पूछे कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ रस्ट तो वो क्या होगा, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है, इक्वेशन है, ये है रस्टिंग का इक्वेशन, कोरोशन इन इन केस ऑफ आयरन। ठीक है, तो ये अभी के लिए याद रख लो। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लेना, कॉपी बुक में भी है, यू कैन नोट डाउन। तो क्या क्या चीज याद रखोगे, पहले तो इसका डेफिनेशन लिख लो कॉपी में, और उसके बाद रस्टिंग का वो रिएक्शन मतलब ये वाला रिएक्शन लिख के एकदम याद ही कर लो। ठीक है, और रस्ट का केमिकल नेम है हाइड्रेटेड आयरन 3 ऑक्साइड, ये भी याद कर लो। ठीक है, और ये इक्वेशन अच्छे से याद रख लो। कमिंग टू द नंबर 2 पॉइंट, ये हो गया, ये जो पोर्शन होता है ये किस में होता है, मेटल्स में होता है, लेकिन ऑक्सीडेशन सिर्फ मेटल्स में नहीं होता है, ये खाने का चीज के भी ऊपर अटैक कर सकता है। ठीक है, सो रेंसिडिटी किस में होता है, फूड आइटम में होता है। ठीक है, तो रेंसिडिटी देखो क्या है, टर्न द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 44, वहां पे देखो, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अभी जो रेंसिड होता है ना, रेंसिडिटी मतलब क्या है, सपोज तुमने चिप्स का पैकेट देखा, चिप्स का पैकेट में क्या होता है, बहुत दिन अगर खुला रख दिया चिप्स का पैकेट तो उसमें से अजीब सा स्मेल निकल आता है, हाँ? मतलब उसको अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रख दिया, ऐसे तुम्हें खुला छोड़ दिया तो वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे वो उसका अच्छा सा मतलब एक अनप्लीजेंट वाला स्मेल आना स्टार्ट करेगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट मतलब क्या है, ऑक्सीजन जब उस फूड के ऊपर अटैक करेगा देन इट विल रिएक्ट एंड वो खाने को नष्ट कर देगा। और उसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि खाना नष्ट हुआ, जनरली ये ऑयली या फिर फूड फूड कंटेनिंग मतलब जो जंक फूड है जो हम लोग कंज्यूम करते हैं तो उसके ऊपर ज्यादा अटैक करता है। ठीक है, तो वो हम लोग बोलते हैं कि वो रेंसिड हो गया। तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वहां से बहुत बदबू निकलेगा, मतलब खराब स्मेल निकलेगा। ठीक है, सो रेंसिडिटी को हम लोग कैसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये एकदम थियोरेटिकल पार्ट है, आप इसे पढ़ लेना बुक से। क्या है, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट ऑफ फूड कंटेनिंग फूड एंड फैट्स एंड ऑयल। जो सब फैट एंड ऑयल में हम लोग प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं ना, वो क्यों करते हैं, ताकि वो रेंसिड ना हो, ताकि वो खराब ना हो। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट को यूज करते हैं क्योंकि ऑक्सीडाइज होने से खराब होता है, तो हम लोग एंटीऑक्सीडेंट यूज करते हैं। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग द फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन नाइट्रोजन गैस। जो चिप्स का पैकेट है ये तो पता ही है तुमको, ये जो चिप्स का पैकेट है उसमें हवा भरा रहता है, दैट इज नॉट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होने से खराब हो जाता है, उसको नाइट्रोजन जो किसी भी फूड के साथ रिएक्ट नहीं करता वो हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, नंबर 3 इज योर रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग द फूड इन द रेफ्रिजरेटर। हम लोग चिप्स खाया आधा खा के फ्रिज में रख देते हैं, मतलब क्या है, फ्रिज में ऑक्सीजन का अटैक कम होता है तो इसलिए वो ज्यादा दिन तक रहेगा। नंबर 4, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग द एयरटाइट कंटेनर। हम लोग करते ही है, अगर फ्रिज में नहीं रखा है तो चिप्स को खोल के तुम अगर एयरटाइट कंटेनर में रख दो ताकि ऑक्सीजन का डायरेक्ट टच में ना आए तो वो खराब नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज 4 एंड नंबर 5 इज योर रिटार्डेड बाय
स्टोरिंग अवे फ्रॉम लाइट, लाइट अगर होता है तो वहां से भी रिएक्ट कर सकता है, तो लाइट से अगर कोई डार्क प्लेस में रखोगे तब भी वो रेंसिड नहीं होगा, ठीक है। सो दीज आर द फाइव वेज यू कैन स्टॉप द रेंसिडिटी, ठीक है। फूड गेस फूड स्पॉइलर्स से तुमको छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। तो दीज आर द टू लास्ट पॉइंट लेफ्ट, सो वी हैव कंप्लीट द चैप्टर, ओके। तो ये सब नोट डाउन कर लो, ठीक है, और ये इसका डेफिनेशन लिख लो और ये बुक से पढ़ लेना जो पांच पॉइंट बोला, ठीक है। ओके, अभी हम लोग कौन सा पार्ट करेंगे, मेरा फेवरेट पार्ट, क्या होमवर्क, ठीक है। तो होमवर्क क्या है तुम लोगों का, लास्ट क्लास में मैंने होमवर्क एकदम नहीं दिया था, ठीक है ना, तो अभी कंप्लीट मत करना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 57 तक होमवर्क है, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन है आई नो, एमसीक्यू भी उसके साथ इंक्लूड है, लेकिन तुमको जो सब क्वेश्चन में वाई पूछा गया है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन स्टार्टिंग फ्रॉम 26 व्हाट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, ये सब नहीं चाहिए, ठीक है। जो तुमको डेफिनेशन को छोड़ के जो पार्ट है, एक्सप्लेन करो डिफाइन करो वो सब छोड़ के जो पार्ट है वही करना है, ठीक है। एक रिएक्शन दे देगा तुमको, आइडेंटिफाई करना है रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, कैसा टाइप का रिएक्शन है, वो सब करना, ठीक है। इतना तक छुटकारा दे दिया तुमको। सो जो सब क्वेश्चन है फ्रॉम 26 ऑनवर्ड्स, उसमें पहला वाला क्वेश्चन वैसे ही है, डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं चाहिए, एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हिच इज आल्सो एक्सोथर्मिक, ये सब करो जिसमें तुम्हें रिएक्शन लिखने का जरूरत है, बार बार देखोगे वो याद हो जाएगा, लेकिन डेफिनेशन तुमको पता है, मुझे पता है तुमने रट लिया, वो नहीं चाहिए तुमको, ठीक है। सो दिस इज योर लास्ट पार्ट एंड कांग्रेचुलेशंस, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री इज ओवर, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 58 से लेके ये हॉट्स क्वेश्चन है, 58 से 67 वो मैं जूम क्लास लूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना, चलो बाय।